तो नमस्कार, आपका स्वागत है डियर फ्रेंड्स एक बार फिर से हाजिर एक नई वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ। जैसा कि आप लोग को पता है, हमने लगातार बिहार कार्यपालक सहायक हो या फिर बेल्ट्रॉन हो, हमने लगातार वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं। इसी के दरमियान एक बार फिर से जो है कुछ आवश्यक सूचना है जो कि आप लोग को जानना जरूरी है। इसी संबंध में हमने बिहार कार्यपालक सहायक अभ्यर्थियों के लिए एक सूचना यहाँ पर निकल के लाए हैं। अभ्यर्थी के द्वारा हमें ये सूचना प्राप्त हुई है। क्या है सूचना, जानेंगे इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से। आइए आप लोग को बताते हैं। तो आप लोग को बता दें एक बार फिर से जो है कार्यपालक सहायकों का अनिश्चितकालीन महाआंदोलन होने जा रही है। जी हाँ, जितने भी अनियोजित कार्यपालक सहायक है उन सभी को सूचित किया जाता है कि BPSM पटना दिनांक 17/12/2022 सुबह 8:30 बजे को आप लोग का धरना अनिश्चितकालीन महाआंदोलन शुरू होने जाना है। इसी के दरमियान जितनी भी अभ्यर्थी है, जितनी भी अनियोजित कार्यपालक सहायक है उनको सूचित किया जाता है कि आप लोग जो है स्थान BPSM पटना पे पहुँचे दिनांक 17/12/2022 को सुबह 8:30 बजे। तो मांगे क्या है, वो मांगे यहाँ पे नोटिस नोट आउट किया गया है, हमने टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, फेसबुक पेज पे भी शेयर कर देंगे। आप लोग अपना मांग जो है वो पढ़ लीजिएगा। ये सूचना आप लोग तक अवगत कराना था। जितने भी अभ्यर्थीगण बचे हुए हैं, चाहे जिस भी ज़िले से आप लोग हो, आप लोग जो है धरना पे पहुंच के अपना जो है भागीदारी दिखाइए, साथ ही साथ एकत्रित होइए। फाइनल आप लोग का जो है महाआंदोलन होने जा रहा है, इससे संबंधित ये सूचना हमें जो है दी गई थी आप लोग तक पहुंचाने के लिए। तो इसी तरह जो भी हो, जो भी धरना होती है, चाहे बिहार के किसी भी डिपार्टमेंट की हो, जो सूचना हमारे तक आती है हमने आप लोग तक पहुँचाते हैं, चाहे कार्यपालक सहायक हो, बेल्ट्रॉन हो, स्वास्थ्य विभाग हो इत्यादि। तो इसी तरह अगर और भी अपडेट्स पाना है बिहार कार्यपालक सहायक से जुड़ी, तो आप लोग हमें जो है फॉलो कर लीजिए फेसबुक पेज में, टेलीग्राम पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे जो अपडेट्स वीडियो होती रहेगी आप लोग हमें मैसेंजर के थ्रू शेयर कर सकते हैं, हमने भी शेयर कर देंगे फेसबुक और यूट्यूब पे। तो ये थी आवश्यक सूचना। आप लोग का राय कॉमेंट पर हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इस जानकारी से अवगत हो पाए। धन्यवाद।